अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशफ अब्बासी के साथ। आज की एक और बड़ी खबर, अब तो लगता है खबरें बहुत सी अब सुप्रीम कोर्ट से, यानी अगले चंद दिनों में जस्टिस एजाज़ुल अहसन साहब ने इस्तीफा दे दिया। वो अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको बनना था। जिन उनके करीबी दोस्तों से या लोगों से बात करने की मेरी कोशिश हुई, अभी तो तक सबका ये कहना है कि उनका फ़ोन बंद है, मशवरा उन्होंने किसी से भी नहीं किया। और बहुत से लोग इस बारे में परेशान और हैरान भी हैं कि आखिर वजह क्या हुई कि उन्होंने किसी से मशवरा किए बगैर ये कर दिया। और ये उनके चंद करीब के लोग जो रहे हैं उनका ये मौकफ था। लेकिन सबसे बड़ी बहस अब ये बन गई कि आखिर उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों। मतन उनके इस्तीफे का हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट भी रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मैंने सर्व किया है, अब नहीं करना चाहता। लेकिन क्या कोई वजह थी इसकी? एक हिस्सा वो है जो कह रहा है कि इनके खिलाफ कोई रेफरेंस था, दूसरा हिस्सा ये कह रहा है कि उस रेफरेंस में शायद कोई इतना कुछ था नहीं। किस वजह से ये रिज़ाइन हुआ, ये किस वजह से ये रिज़ाइन करना पड़ा, ये एक बहस तलब मामला है कि जिस पर बहस ज़ाहिर होती रहेगी अनलेस वो आप बाहर आए खुद बताएं कि उन्होंने ये आखिरी इस्तीफ़ा दिया क्यों। मेरे साथ इस वक्त मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली जफर साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। कल मामला बल्ले का भी सुप्रीम कोर्ट में जाना है और नून लीग के टिकट हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्या इसको सुप्रीम कोर्ट का बहरान कहा जा सकता है कि एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस्तीफा दे रहे हैं? इससे पहले आपको याद होगा जस्टिस बंदयाल साहब का कोर्ट भी बिटरली डिवाइडेड था, उसमें भी कहा जा रहा था कि दो ग्रुप्स या गैंग्स बने हैं। अभी जाहिर है जस्टिस काजी फाइज साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद एक दूसरा ग्रुप तो अब भी मौजूद था और उसी ग्रुप के दो लोगों ने इस्तीफा दिया। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के इस्तीफे की तो मंतक और वजह समझ आती है, उनके खिलाफ एक केस बन चुका था, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा चुका था, सो वो तो वजह समझ आती है कि वो इस्तीफा दिया गया हो। इस इस्तीफे की वजह अभी तक किसी को समझ नहीं आती। अली जफर साहब, आपको समझ आती है कि इस्तीफा क्यों दिया गया और व्हाट डज दिस सिग्निफाई? जी देखें, इस्तीफ़ा देने की वजह तो बिल्कुल मालूम नहीं और मेरा ख्याल है कोई इंडिकेशन भी नहीं ऐसी थी, पहले कोई ऐसी बहस भी नहीं हो रही थी कोई। मेरा ख्याल है मैं भी उतना ही सरप्राइज्ड हूँ, उतना ही हैरान हूँ इस बात से जितना आप हैं। वजह तो पता चलेगी, उनके इस्तीफे के लेटर में तो नहीं कोई नज़र आ रहा कि उन्होंने क्यों किया। मुझे लगता ये है कि ज़ाती कोई रीजंस होंगे, कोई वजूहात होंगी। रेफरेंस तो उनके ख़िलाफ़ कोई नहीं थी, ना कोई ऐसा इल्ज़ाम था। हो सकता है वो वैसे ही जो हालात को देखते हुए उन्होंने रिज़ाइन किया। सर, हालात को देखते हुए अली जफर साहब, आखिरी कौन सा जज था जिसको आपने देखा जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया हालात देखते हुए? हालात ऐसे हैं, प्रेशर्स हैं, कोई याद पड़ता है आपको किसी ने रिज़ाइन किया? मैंने देखे हैं सारे जो पास्ट के रेजिग्नेशंस हैं, उनकी कोई ना कोई वजूहात होती हैं, या तो रेफरेंस फाइल हुए थे, या वो जब डोगर साहब की अदालत थी और अपॉइंटमेंट्स पे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही थी लोगों के, उस वक्त रेजिग्नेशंस दी थी जज साहिबान ने, या कोई ना कोई ऐसा। अच्छा, चले मैं लेट मी आस्क यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दिस हैज समथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स विद इन द सुप्रीम कोर्ट और द डिविजन विद इन द पॉलिटिक्स का लफ्ज़ चलो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, लेट्स से डिविजन विद इन द सुप्रीम कोर्ट, आपको ये नजर आ रहा है या कोई पोटेंशियल अगर रेफरेंस नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? देखिए, डिवीजन तो अगर है या कोई आपके ख्यालात मुख्तलिफ हैं, डिवीजन का मतलब ही होता है सुप्रीम कोर्ट में कि आपका एक ख्याल है एक केस के बारे में, दूसरे का दूसरा ख्याल है, तो आप अपनी जजमेंट्स या डिसेंटिंग नोट्स के जरिए आप अपनी जो आपकी जुडिशल फंक्शन है वो आप उसको उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने नहीं देखा कि कभी आपने या किसी ने रिज़ाइन किया हो सिर्फ डिवीजन की वजह से या कोई ओपिनियन की मुखालफत की वजह से। सो ये पता नहीं क्या बीच में अंदरूनी कहानी है, वो पता चलेगी। व्हेन ही वाज़ सून टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये नहीं कि उनकी रिटायरमेंट को महीना दो महीने रह गए थे। जी, ये भी एक बात है कि आप यानी उनका इतना करीब था टेन्योर और उसके करीब आके उन्होंने रिज़ाइन किया, अब तो कुछ महीने ही रह गए थे।
तो ये एक और, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे तो कोई इंडिकेशन थी भी नहीं, ना कभी उन्होंने किसी से डिस्कस किया, ना कोई उड़ती हुई हवा ऐसी आई सामने जो कि ये इंडिकेट करती हो कि वो रिज़ाइन करने वाले हैं। तो आज एक बिल्कुल ही जिसको कहते हैं बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू, ये बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू ही था ये एक। It was surely a bolt out of the blue because when I saw this breaking news coming on channels, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि आखिर सडनली हुआ क्या है, एंड देन यू वांट टू कनेक्ट डॉट्स कि शायद इस वजह से हो, शायद उस वजह से हो, लेकिन कोई भी सियासी वजह हो, यानी अनलेस इट्स अ रेफरेंस, आई डोंट नो, ये बात कही जा रही है। लेकिन बड़ा इलस्ट्रियस करियर है उनका, बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने जजमेंट्स दी हैं, तो अफसोस तो होता है जब ऐसा एक जज अपनी टेन्योर से पहले रिजाइन कर दें। दुनिया में तो एग्जांपल्स ऐसे मिले हैं, और फिर आप यही कह सकते हैं कि उनको, उनका जो भी अब फ्यूचर है उसके लिए उनको हमारी दुआएं उनके साथ। या मैंने जिन जजेस से बात की, एवरीबॉडी हैज गुड थिंग्स टू से अबाउट हिम एज अ एज अ एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। मोहसिन एजाज हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, को बात सामने आई है कि मोहसिन हुआ क्या है, आखिर किस वजह से ये रेजिग्नेशन आया है? देखिए, अभी तक जो उनके इस्तीफे की कॉपी आई है जस्टिस एजाज़ुल अहसन की, उसकी उसमें तो उन्होंने कहा है कि वो मजीद काम जारी रखना नहीं चाहते, लिहाजा वो फौरी तौर पे मुस्ताफी हो रहे हैं। लेकिन ज़राए का ये बताना है कि रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीजें चल रही थी, एक तो बेंचेस की तश्कील के हवाले से भी उन्होंने अपने कुछ इख्तलाफी नोट्स लिखे थे, और हमने ये देखा मुख्तलिफ बेंचेस की तश्कील के दौरान भी जो है वो ये बातें सामने आई थी, और एक जो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी वाले मामले पे भी जब शो कॉज उन्हें जारी किया गया, दूसरा जो 4-1 के तनासुब से जारी हुआ था, उसमें उन्होंने एक बड़ा तफसीली डिसेंटिंग नोट लिखा था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि मोहसिन ये तो रूटीन की बात है। आपको याद होगा जब काजी फैज साहब प्यूनी जज थे, सीनियर प्यूनी जज, उस टाइम वो भी नोट्स लिख दिया करते थे, लेकिन उनको भी बेंच नहीं मिलता था। इस बात पे रिजाइन करना एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप है, इस वजह से तो नहीं हो सकता? देखिए, उस वक्त जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस चला था, तो आपको याद होगा जब उन्होंने ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई और शो कॉज नोटिस को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर काउंसिल की कार्रवाई रुक गई थी, और यही हुआ था जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के केस में भी। लेकिन हमने देखा कि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के केस में ऐसा नहीं हुआ। देखिए, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफे का और जो आज वाला इस्तीफा है, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। जस्टिस एजाज़ुल अहसन साहब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर भी थे, और आज जो काउंसिल का इजलास हुआ उसमें वो शरीक नहीं हुए। इससे पहले इस मामले पर जो चीजें हुई, जो उन्हें शो कॉज भी जारी किया गया, उस पर उन्होंने इख्तलाफ किया, फिर इस मामले पर जो बेंच तश्कील दिया गया था उस पर भी जस्टिस एजाज़ुल अहसन ने तहफुजात का इजहार किया था, और इन तहफुजात। लेकिन मैं आप भी ये कह रहा हूँ, ये सारी बातें हम जानते हैं, पिछले चंद दिनों से खबरों में आ रही है, लेकिन स्टिल इस बुनियाद पे किसी जज साहब का रिजाइन करना, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आई मीन, इट्स स्टिल नॉट रीजन इनफ कि ये क्योंकि इख्तलाफ था, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में क्योंकि उनके खिलाफ तो नहीं थी, जाहिर है उनके एक दोस्त के खिलाफ हो सकती है, लेकिन उनके खिलाफ तो नहीं है। सो उनका रिजाइन कर देना जब उन्होंने चीफ जस्टिस बनना, कांट कनेक्ट द डॉट्स के ये क्यों हो रहा है। देखिए, अब अभी तक तो ये सारी चीजें जो हैं वो उन्होंने अपने इस्तीफे में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो जराए से मालूम पड़ रही है, जो रिसेंटली जो चीजें इन राइटिंग हमारे सामने आई और जो हम लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट में, जो फील किया, और पोस्ट ये जब से गुज़िश्ता चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं उसके बाद से इन चीजों में कमी आने के बजाय थोड़ी सी, मैं ये बतौर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर समझता हूँ कि मजीद शिद्दत आ गई थी। और जस्टिस एजाज़ुल अहसन ना सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर थे, बल्कि वो उस कमेटी के भी रुकन थे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद आई थी। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ कि ये कोई ऐसे मामलात नहीं थे वो मतलब वो अगर चाहते तो वो अपने मौकफ पर खड़े रहते और इंतजार करते अपनी बारी का, जैसे जस्टिस काजी फैज ईसा ने किया है। लेकिन जराए का ये कहना है कि इन जजेस, ये दोनों जो मुस्ताफी हुए हैं, इनका ये मौकफ था कि आइन और कानून के मुताबिक जो चीजें दर्ज हैं, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रूल्स हैं, जो इससे पहले की रिवायात हैं, वो उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था, और उनको ये ऐसा लगता था कि उन्हें जानबूझ के तज़हीक का निशाना अब बनाया जा रहा है, और उसके जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज ए इदारा उनके साथ नहीं खड़ी, और इस वजह से वो काफी ज्यादा दिल बर्दाश्ता भी थी। और जब गुज़िश्ता रोज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया था, देखिए उन्होंने अपने खिलाफ कार्रवाई को चैलेंज किया और उनके खिलाफ जो इल्जाम लगे थे उन्होंने एक एक इल्जाम का जवाब दिया, 34 सफात पर मुश्तमिल वो जवाब था, और एक एक इल्जाम को उन्होंने एड्रेस किया, वो उन्होंने इल्जाम से भागकर इस्तीफा नहीं दिया। तो आप ये कनेक्ट कर रहे हैं मुजाहिर नकवी साहब से?
जी बिल्कुल, ये बड़ा बड़ा गहरा ताल्लुक है इन दोनों चीजों का, बड़ा गहरा ताल्लुक है इन दोनों का, और यही वजह बनी और काफी ज्यादा दिल बर्दाश्ता थे। और जब जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपने इस्तीफे से एक दिन पहले अपने करीबी दोस्तों के साथ मुशावरत शुरू की, तो मेरे जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि इसमें उन्होंने जस्टिस इजाजुल एहसन से भी इस बात का इजहार किया था कि मैं हर कोशिश कर चुका हूं, मैंने कहा है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो अपनी कार्रवाई रोके और मैं सुप्रीम कोर्ट में एक एक चीज का जवाब दूंगा, लेकिन काउंसिल ने कार्रवाई नहीं थी रोकी और काउंसिल की कार्रवाई चलती। तो आपको अब भी लग रहा है कि काउंसिल की कार्रवाई और अंदरूनी मामलात हैं जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन, मेरा ख्याल है वो ले रहे हैं जाहिर नकवी साहब के इस्तीफे से, लेकिन किरमानी साहब आज बहुत खुश होंगे। किरमानी साहब आप तो बहुत खुश होंगे आज जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफा दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जो इस वक्त गेस्ट हैं या जिनसे आपने वो जो कोर्ट रिपोर्टर साहब हैं, एवरीबॉडी इज क्लूलेस, एवरीबॉडी इज क्लूलेस, कि एक सरप्राइज हुई है। अब इसकी असल क्या वजह है? मार्केट में तो खबरें चलती रहती है ना जी, गॉसिप। असल वजह जो है वो तो जज साहब को खुद बतानी चाहिए आगे आकर। अब हम गेस कर सकते हैं, हो सकता है उन पर कोई जमीर का इतना बोझ है कि उस जमीर के बोझ से गिर पड़े हैं। हो सकता है दूसरा बोझ हो। मैं अर्ज करना ना जी, सुन, हो सकता है कि उनको कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। सो द बेस्ट पर्सन टू आंसर द रीजन एंड दिस क्वेश्चन इज जज साहब हिमसेल्फ, और उनको चाहिए कि वो हिम्मत करे, करेज पैदा करे, और माशाल्लाह वो बड़े डंके की चोट पर बैठा करते थे अदालत में, तो वो आकर बताएं कि भाई क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या वजूहात है। असल तो वही, जब तक नहीं बताएंगे मुख्तलिफ क्या सराई हैं और क्या सराइयों पे क्या बात करनी। दैट इज ट्रू। आपके दो सेंट्स, उसके बाद हम जरा दूसरे, क्योंकि हमें पता कुछ नहीं है किसी को, सब क्या सराइए कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक इस्तीफा आना इस माहौल में, एक माहौल है उसमें बहुत कुछ हो रहा है, इट इज अलार्मिंग कि जजेस भी रिजाइन करें। वैसे अच्छी बात है कि रिजाइन करें, कई दफा ऐसा होता है कि यू नो दिस काइंड ऑफ, व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या? लेकिन दो हवालों से मेरे नजदीक ये अहम है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि उन्होंने कोई रीजन इसके अंदर कोट नहीं किया, उनका जो रेजिग्नेशन लेटर है उसके अंदर उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि आई डू नॉट विश टू कंटिन्यू, और ये कोई भी रीजन हो सकते हैं, तो हम अगर कोई भी बात करेंगे तो वो एक स्पेकुलेशन के जुमरे में आएगी। जो दो हवाले मैं समझता हूँ जिससे उनका रेजिग्नेशन अहम है, पहला कि वो अगले चीफ जस्टिस भी थे पाकिस्तान के होने वाले, और उनके रेजिग्नेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो सीनियोरिटी है उसके ऊपर भी लाजमी तौर पे फर्क पड़ा है। मंसूर अली शाह और अब जो लंबे टेन्योर के लिए आ जाए, जी हाँ, जो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के बाद जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था मंसूर अली शाह साहब, अब उनका जो टेन्योर है वो टेन्योर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद ही शुरू हो जाएगा, और एक टेन्योर लंबा टेन्योर होगा 3 साल के। और वैसे ये भी साथ कहना ज़रूरी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह कैरीज अ वेरी गुड रेपुटेशन, एक अच्छे जज के तौर पर, एक बैलेंस जज के तौर पर वो जाना चाहते हैं। दूसरी, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले चंद सालों में जो हमारी जुडिशरी है उसके अंदर डिविजन्स थीं, और वो बड़ी ओपन डिविजन्स थी। अखबारात का जीनत बनी, टीवी टॉक शोज उनके ऊपर होते थे, आर्टिकल्स लिखे जाते थे, लेकिन ये पोलराइजेशन हुई क्यों? नफरतें अरूज पे हैं, और ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऐसा माहौल नहीं है, हमें जुडिशरी के अंदर भी नज़र आ रहा है कि नफरतें और पोलराइजेशन जो है वो अरूज पे है, और ये हमारे माशरे के अंदर भी बहुत दूर तक ये नफरतें फैल चुकी है। और जितनी पोलराइज्ड हमारी सोसाइटी इस वक्त हो चुकी है, ये शायद उसी का कोई एक नतीजा हो। लेकिन मज़ीद इस पर कहना, क्योंकि उन्होंने खुद कोई रीज़न लिखा नहीं, तो मेरे ख्याल से एक मेयर स्पेकुलेशन होगी, और उसमें हम किसी भी जानिब जा सकते हैं। हवाई फायरिंग करेंगे, हम जो भी करेंगे हवाई फायरिंग करेंगे, तो इस हवाई फायरिंग को छोड़ते हैं, आ जाते हैं जरा जो कल बड़ा मसला बन, जो बड़ा इशू है, बल्ला। आपको लगता है बैरिस्टर अली जफर साहब, आपसे शुरू करता हूं सर, जो इन्होंने तकसीम का जिक्र किया, पोलराइजेशन का सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया, जाहिर है बहुत से हालात हम शायद कह ना लेकिन हालात से वाकिफ सब हैं। अब ये इन हालात में ही बल्ले का निशान जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने केस जा रहा है,
यू थिंक के बल्ला आप रिटेन कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, या वो जो यो चल रही है, बल्ला गया बल्ला आया बल्ला गया बल्ला आया फिर बल्ला पांचवी दफा जाने बार जाने का इम्कान नजर आ रहा है आपको? जी देखें, जहां तक मेरिट्स की मैं बात करता हूं अभी एक मिनट में, लेकिन पहले एक चीज पे जरा आप गौर करें, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका काम है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, वो एक राइवल बना हुआ है, एडवर्सरी बन के देखें जी साहब, कोशिश करी जा रहा है कि हम किसी तरह सुप्रीम कोर्ट से कुछ करा लें, अब अगली जगह से नहीं हो रहा। सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से, सब लोगों का कल ये ख्याल था कि बस ठीक हो गया, कोर्ट ने फैसला दे दिया, हाई कोर्ट ने बस करे इलेक्शन कमीशन, लेकिन वो पार्टी बनता नजर आ रहा है, दैट्स ट्रू बनता जा रहा है। अब वो उनको जो भी उनको दुश्मनी है या जो भी उनका इंटेंशन या वजह है पीटीआई के खिलाफ है, लेकिन इस मामले में वो तकरीबन जो अवाम है हमारी 12 करोड़ 13 करोड़ की, उसको क्यों डिफ्रेंचाइज कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया हुआ है कि सिंबल जो होता है वो इसलिए दिया जाता है कि बहुत सारी अवाम है जिनको समझ नहीं आती किसको वोट करना है, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को वोट कर नहीं सकते, तो वो सिंबल को वोट करते हैं, सिंबल के ऊपर जाके ठप्पा लगाते हैं। लेकिन अली जमान साहब, ये तो सारे हम जानते हैं क्यों होता है, लेकिन बताएं आपकी सेंस क्या कह रही है, व्हाट विल हैपन टू जी? तो ये जो डिफ्रेंचाइज करना है, ये एक जुल्म कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को एक निशाना बना के अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अदालतें जो हैं वो इस किस्म की जो मूव है या स्ट्रेटजी है या कंस्पिरेसी है उसको कामयाब होने देंगे। जहां तक आईन का ताल्लुक है, आईन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये कोई इख्तियार नहीं कि बल्ला किसी से या किसी से सिंबल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वापस ले ले। जहां तक इलेक्शन एक्ट 2017 का ताल्लुक है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इख्तियार नहीं है कि वो बल्ला ले लें या किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसके बारे में कोई सवालिया सर, वैसे मैं कल जो कानून है, कानून में लिखा तो है कि सिंबल देने का इख्तियार या होल्ड करने का इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास। जी सिंबल देने का इख्तियार है, सिंबल लेने का इख्तियार नहीं है, यानी कि फाइन कर सकते हैं 2 लाख पाकिस्तान के पास, वो फाइन कर सकते हैं बिल्कुल अगर आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना किया, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं किया तो हम आपका बल्ला ले लेंगे या सिंबल ले लेंगे, क्योंकि सिंबल के बगैर पॉलिटिकल पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है, वो एक तरह प्रैक्टिकली डिसॉल्व हो जाती है, वो खत्म हो जाती पार्टी, है पार्टी नहीं रहती, हिस्सा ही नहीं ले सकती। तो 14 लोगों के अगर हकूक आप कह रहे हैं कि अगर जिस तरह के केस है 14 लोग या 15 लोग गए हैं कि हमारा राइट लेट से यूजर्प हुआ या नहीं हुआ, उस वजह से आप करोड़ 1.5 करोड़ का राइट नहीं ले सकते, दिस इज व्हाट योर आर्गुमेंट। मैं क्विकली बाकी दोनों मेहमानों से भी ये पूछ लूंगा, व्हाट इज योर व्यू, बल्ला लेना चाहिए? Wouldn't it be, what is your take? चलो देखें raw take बताएं। हाँ, एक चीज इसकी political dimension है और एक जारी बात है कानूनी debate भी है, और जो कानूनी debate में obviously अली भाई मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर कानून को समझते हैं, और उनके ख्याल में कि election commission के पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी सियासी जमात से सिंबल ले सके, लेकिन इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 215 सब सेक्शन 4 है वो बड़ा क्लियरली कहता है कि सिंबल किसी भी जमात से अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराती तो लिया जा सकता है, 215-4 ये कहता है। पॉलिटिकल डायमेंशन इसकी ये है कि मैदान के अंदर मुकाबला करें, और सियासी जमात एन इलेक्शनों से पहले जब आप उससे ले लेंगे उसका सिंबल ले लेंगे तो उसको एक आप नेचुरली एक डिसएडवांटेज पे रख देंगे एज कंपेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज। और ये बात भी चले इसको इस तरह देख लें कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की सजा क्या बहुत बड़ी बन जाएगी अगर उनको इलेक्शन में आप बगैर सिंबल के भेज रहे हैं? देखें ये कानून तो अपनी जगह पर मौजूद है ना, सजा बहुत बड़ी तो बनेगी ऑफ कोर्स, और दीगर और जमातें भी हैं जिन जमातों के हमें पता है कि इलेक्शन ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के ही हो जाते हैं, तो वो भारत और उनके ऊपर कोई नजरे करम नहीं हुई इलेक्शन कमीशन की, और वो अगर हालात जिसके लिए साजगार होते हैं उसके बड़े बड़े गुनाह माफ हो जाते हैं, और जिसके लिए नासाजगार होते हैं वो छोटी सी वो कहते हैं तो दुमड़ी पे भी पकड़े जाएंगे कि दुम फंस गया हाथी निकल जाएगा। किरमानी साहब आपका क्या ख्याल है, मैं कशिप साहब देना चाहिए या मुकाबला करना चाहिए? मैं तो आज से नहीं
मैं तो तवातर से ये कह रहा हूँ और आज आपके प्रोग्राम में दोबारा इसको मैं पता नहीं कितनी मरतबा ये दोबारा अर्ज करने जा रहा हूँ कि देखिए जो लोग सानहा 9 मई में बराह रास्त डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलविस हैं और उनके खिलाफ कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है, कोई नाकाबले तरदीद शवाहिद और सबूत हैं, उन पर तो पाबंदी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जिन लोगों के हाथ साफ हैं उन लोगों को ना सिर्फ बल्ले का निशान मिलना चाहिए, ये मेरी एक जाती राय है, बिल्कुल ठीक है, कल अदालत क्या करती है, एक तो बल्ले का निशान भी मिले और जो नीट क्लीन है उनमें, जिन जो मुलविस नहीं है उनको बिल्कुल अलाउ होना चाहिए पीटीआई का प्लेटफॉर्म भी और बल्ले का निशान भी। मैं तो इस हद तक, सर नून लीग इतनी चीखें क्यों मारती है जब बल्ले का निशान वापस कर दिया जाता है कि ये मैं तो कह रहा हूँ कि दे उनको बल्ले का निशान ताकि पता तो चले, दूध का दूध पानी का पानी हो, पता चले ये कोई शोर शराबा सिर्फ सोशल मीडिया तक है, ग्राउंड में क्या है, जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे कैसे पता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जरूर दें इनको बल्ले का निशान और जरूर पीटीआई का प्लेटफॉर्म दें उन लोगों को जो जिनके हाथ सानिया 9 मई में दागदार नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब चूंकि मामला इलेक्शन कमीशन चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, एक जाती मैंने राय दी है, फाइनल अब क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है उसके लिए आपको भी हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। सर अब बिल्कुल ठीक है, मैं जरा इस नुक्ते पर अली जफर साहब से, अली जफर साहब ये जो 215(4) और 5 है वो ये कहता है कि वी फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 209 और सेक्शन 210 द कमीशन शैल इशू अ शो कॉज नोटिस एज टू व्हाई दैट मे नॉट बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल टू ऑब्टेन एन इलेक्शन सिंबल। तो आपको लगता है कि ये सिंबल देने की हद तक है, वापस लेने वाला इख्तियार उनके पास है, इज दैट हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग दिस 210 को? नहीं देखें काशिफ भाई साहब, मैं 4 दिन से बहस करता रहा हूँ पेशावर हाई कोर्ट में और ये सारी बहस होती रही है। खोखर साहब तो चले, एक उन्होंने बात कर दी सेक्शन 215(4) की। 215(4) असल में ये कहता है कि आपने अगर 209 को कंप्लाई नहीं किया, यानी 209 जो है उसकी आपने खिलाफ वर्जी की, तो आपसे वो आपको रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि अगले आने वाले इलेक्शन में वो सिंबल नहीं देंगे। सो सवाल पैदा होता है कि सेक्शन 209 क्या कहता है। 209 ये कहता है कि आप अपने इलेक्शन कराएं और इलेक्शन कराने के बाद आपने एक सर्टिफिकेट देना है। वो सर्टिफिकेट अगर आप नहीं देंगे, 209 सिर्फ कहता है आपने सर्टिफिकेट देना है, अगर आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे यानी कि आप इलेक्शन ही नहीं कराएंगे तो फिर आपके अगले इलेक्शन में आपको आप ये, सर अगर मैं फिर आसानी से आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, पामे ठंडे कराएं, गर्म कराएं, अच्छे कराएं, बुरे कराएं, एज लॉन्ग एज हम सर्टिफिकेट दें वो हमें कुछ नहीं कह सकते। जी, और अगर किसी मेंबर्स में मसलन अगर 15, 16, 20, 50, 100, 200 मेंबर जो है पार्टी का, वो कहता है कि जनाब ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, तो उनका फिर काम है कि वो उसको चैलेंज करें सिविल कोर्ट में और वहाँ अपने साबित करें कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए और हमें एंटाइटलमेंट है। लेकिन उन 14, 15, 100, 200 बंदे की जो ऑब्जेक्शन है, इलेक्शन कमीशन में जाने का उनका कोई इख्तियार नहीं और इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है कि वो इस किस्म के फैसले कर सके, ना ये कि सिर्फ 100-200 बंदे की ऑब्जेक्शन पे आप पार्टी का सिंबल ले लें। तो ये आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी देखें कानून की। और मैं खोखर साहब को याद कराऊं कि ये कानून इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी एक वक्त आके, जब कमेटी थी, इलेक्शन कमेटी बनी थी, एक पार्लियामेंट्री कमेटी, और उसमें कहा था कि हमें ये आप इजाज़त दें कि हम पार्टीज को देख सकें, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने यकसा होके कहा था कि नहीं, हम ऐसी इजाज़त नहीं दे सकते इलेक्शन कमीशन को कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में वो इस तरह की मुदाखलत करे, कि वरना तो हमारी आज़ादी, हमारी इंडिपेंडेंस, हमारी खुद मुख्तारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक इसीलिए उनको इजाज़त नहीं दी। और अगर आप दुनिया में मुझे कोई कानून दिखा दें जो कि एक कमीशन को, एक इलेक्शन कमीशन को इजाज़त देता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करें, तो फिर कोई और बात होगी। लेकिन मेरी जो रिसर्च है, और मैंने बड़ी वास्ट रिसर्च की है, दुनिया में कोई ऐसी कानून नहीं है जो कि अपनी कमीशन को अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर्स में इजाजत दे, नहीं इजाजत देता है ना, ये फ्रीडम, बिल्कुल ठीक।
सो मैं ब्रेक ले लूंगा, इजाजत दे मुझे। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का फ्रीडम, बिल्कुल ये कानूनी हक है हर शहरी का कि वो किसी सियासी जमात के साथ एसोसिएट कर सकता है। एक ब्रेक ले लें, वापस आते। वेलकम बैक नाजी, क्योंकि बल्ले का बड़ा एक अहम रोल होगा इलेक्शंस में अगर तरीके इंसाफ के पास हुआ। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक एडवर्सरी के तौर पे एक मुखालिफ जैसा होता ना कि उनकी तो एक ख्वाहिश है कि किसा बल्ला ले लें तरीके इंसाफ से, ऐसा लग रहा है कि वो तो देयर हेलबेंट। किरमानी साहब आपने कहा बल्ला लेना चाहिए, बट इज दैट व्हेन यू सी द इलेक्शन कमीशन जिस तरह वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस लेकर, हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया, वो चाहते तो कहते हैं हाँ ठीक है जी हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया, चौके लड़े इलेक्शन बैलेट पेपर छापते हैं, आपको लग रहा है कि मुसीबत पड़ेगी? नॉर्मली मतलब आई एम नॉट ए लॉयर, लेकिन यहाँ अली साहब बता सकते हैं, मुस्तफ़ा की भी लॉ पे ग्रिप है, ये भी लॉ स्टूडेंट रहा है, कि नॉर्मल मैंने देखा है प्रैक्टिस में कि सुप्रीम कोर्ट डिस्टर्ब नहीं करती होती हाईकोर्ट के फैसलों को, नॉर्मली अपहोल्ड करती है। अब ये देखना है चूंकि इसमें मामला वो आपने देखा नहीं आरओज और डीआरओज का फैसला, वो एक हुक्म इतना आया था हाईकोर्ट की तरफ, मैं वही कह रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट ने ठोक दिया था उसको। और मैं लेकिन जाती तौर पर ये समझता हूँ काशिफ साहब के जब पेशावर हाईकोर्ट ने एक फैसला कर दिया था तो उसको ऑनर कर लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर इनको कल को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो एक बहुत बड़ा इनके पास एक हाथ में हथियार आ जाएगा जी, कि अगर हमारे पास बल्ला होता तो फिर हम तो इतने चौके छक्के मारते कि गेंदा स्टेडियम तो भर जाती। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरी तो ख्वाहिश है इनको बल्ले का निशान मिले और लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिले जिन लोगों जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों पर कोई इल्जाम नहीं, जिन्होंने कोई घर बैठे हुए थे, जिन्होंने कोई सानिया 9 मई में किरदार अदा नहीं किया, उनको बल्ले का निशान मिलना चाहिए। अब तो पेपर एक्सेप्ट हो गए जिनके एक्सेप्ट होने थे, अब तो सर खैर जो लेकिन अब क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला काशिफ साहब करती है, आई डोंट नो, अब ये तो वी हैव टू वेट एंड सी। लेकिन असूलन मेरी जो जाती ख्वाहिश है, मुझे नहीं पता मेरी पार्टी के लोगों ने क्या कहा है या आपने क्या सुना उनसे, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन को क्रेडिबल, मोर क्रेडिबल करने के लिए, इलेक्शन की साख को मजीद बेहतर बनाने के लिए बल्ले का निशान दे, इलेक्शन की बची कुछ ही साख बचाने के लिए कह ले, चले जो साख थोड़ी सी बची। आपकी पार्टी क्या कहती है सर, मैं सुना देता हूँ पेशावर हाईकोर्ट का पहला फैसला जो आया था उसके बाद आपकी पार्टी ने क्या कहा था, जरा सुन लें, आपको पता लग जाएगा कि पार्टी छाला मारी सी एक ही हो गया, बल्ला किवें दे रहे हो वापस ले लो, और उसके बाद फिर बल्ला वापस भी आ गया था, सुनिए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है, तराजू है उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ। यहाँ पर इदारों के अंदर मखसूस किस्म के फैसले कुछ लोग करते हैं जिनसे सियासत की बू आती है, कभी बल्ला जा रहा है कभी बल्ला आ रहा है, क्या मजाक बनाया हुआ है ये? आपके फैसले ना बताएं कि आप कजन का रिश्ता निभा रहे हैं। नून लीग का निशान लिया जाए तो वो जायज है और तरीके इंसाफ का निशान लिया जाए तो वो नाजायज है। पेशावर हाई कोर्ट के हुदूद जो है वो सिर्फ अपना सूबा है, एक सूबा पूरे मुल्क के फैसला कैसे कर सकता है कि उसको निशान दिया जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक सामने आई। लेकिन खोखर साहब आप बताए कि हर इलेक्शन का एक माहौल होता है, एक सियासी माहौल होता है, कुछ हालात होते हैं, वो हालात आप देख रहे होते हैं, उसके मुताबिक फैसले आ रहे होते हैं। अगर बल्ला ले लिया गया क्या हालात होते हैं काशिफ भाई? इस मुल्क में 76 सालों से एक कहानी चल रही है, हम बैठ के हर रोज रात को टीवी टॉक शोज के ऊपर बस जुगाली ही कर रहे होते हैं, 76 सालों से एक ही फिल्म चल रही है इस मुल्क चल रही है, ठीक है। अच्छा अब ये जो आपने सियासी कायदीन के बयानात सुनाए, इन सारों का तल्लुक पीडीएम से, अब पीडीएम के अंदर शामिल जितनी जमातें थीं जो 16 महीने हुकूमत में भी रहीं, उन्होंने पंजाब के अंदर इलेक्शंस नहीं कराए, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं कराए, उस वक्त उन्होंने दावा यह किया कि इलेक्शंस मुल्क में एक रोज में होने चाहिए, यह आइन का स्पिरिट है। जिस दिन एक रोज इलेक्शन होने की बारी आई, कौमी असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही थी, फिर इलेक्शनों से भाग गए, इन्होंने मर्दमशुमारी को नोटिफाई कर दिया ये जानते बूझते हुए कि इसके नतीजे में जनरल इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, उधर भी डिले कर दिया। तो ये आखिर ये तीन इलेक्शंस जो डिले हुए, जो हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट्स बैठी हैं, गैर आईनी केयर टेकर गवर्नमेंट्स बैठी हैं, जो एक एक साल जिनको हो गया, ये क्यों हो रहा है सारा कुछ? ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि इन जमातों के अंदर एतमाद की कमी है कि जो 16 महीने इन्होंने हुकूमत के अंदर गुजारे, जो महंगाई के पहाड़ लोगों के ऊपर टूटे, इनकी जो तरजीहात थी क्या थी कि जी कि हमारे केसेस खत्म हो जाएं, इनकी तरजीहात क्या थी हमारे अकाउंट्स फ्रीज हैं वो डीफ्रीज हो जाएं,
इनकी तरजीहात ये थी कि हमारे ECL के अंदर नाम है वो निकल जाएं, अवाम को तो डिलीवर नहीं कर सके, और यही वजह है कि इनके अंदर एतमाद की कमी थी और अवाम को ये फेस नहीं कर सकते थे और अभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बहरहाल आपके शो में और दीगर जगहों पर यह कह चुका हूं कि ये अगर इनके अंदर एतमाद होता तो ये पहले दिन इलेक्शनों के अंदर उतरने की तैयारी करते और इस तरह की चीजों ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अब अगली बात मैं दूसरी बात क्या करूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक माहौल है स्पेसिफिक और एक कंट्रोवर्सी है और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर जाहिर है सवाल उठ रहे हैं। क्या क्रेडिबिलिटी काशिफ भाई इस मुल्क के अंदर, क्या सुप्रीम कोर्ट विल गेट इन्वॉल्वड इन दिस कंट्रोवर्सी? 2001 के अंदर पीपल्स पार्टी रजिस्टर ही नहीं की, यहां पर तो निशान का रौला पड़ा हुआ है ना, वहां पर पीपल्स पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई और फिर नए सिरे से 4P के नाम से एक पार्टी रजिस्टर करानी पड़ी शहीद बीबी को और मखदूम अमीन फहीम साहब को उसका सदर बनाया और राजा परवेज अशरफ साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो ये पहली दफा हो रहा है? पहली दफा नहीं हो रहा। तो मैंने इसी तरह मखसूस माहौल के अंदर जो बात आपने पहले की कि आप अगर एस्टैब्लिश हैं तो फिर आपके 100 गुना माफ, और अगर नहीं है तो फिर छोटी छोटी चीजों पे भी आप पकड़े जाएंगे। सो ये लेकिन इस सारी के अंदर तो यही अब इस केस को उस तनाजुर में बाद में आज नहीं देखा जाएगा, 3-4 साल बाद देखा जाएगा जो भी फैसला आएगा कि किसने उस वक्त क्या किया था। आज तो कोई नहीं कहेगा, जाहिर है वो डंडा डूडा सारे से पिया होंगे, लेकिन जब मौका आएगा तो फिर सारे कहेंगे कि जनाब उस वक्त फलाना जी कोर्ट फलाना जज इस फैसले की वजह से उनके साथ खड़ा था। और इसमें एक जो चीज है वो ये है कि एक 9th of May वाला जो इंसिडेंट हुआ है उसने एक बहुत बड़ी डिवीजन क्रिएट की है, फ्रेंकली हमें एडमिट करना चाहिए। उससे पहले ये प्रॉब्लम्स इस तरह की नहीं नजर आ रही थी तरीके इंसाफ के लिए। और 9 मई के बाद 9 मई से पहले भी आपने जैसे कहा ना केपी इलेक्शन हुए ना पंजाब इलेक्शन हुए, लेकिन फिर उसके खिलाफ जो करना था 9 मई से पहले भी हुआ, 9 मई गेव अस स्मोकिंग गन आगे, फिर उसके बाद सारे नहीं लगता, नौयत ही बिल्कुल बदल गई हालात की। और जो पॉलिटिकल स्पेस जो मौजूद थी, जो गुफ्तगू हम आप बैठ के टीवी चैनल्स पे करते थे, वो सब बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई। तो ये फिर अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस, अब ये दिस इज मोमेंट फॉर रिफ्लेक्शन फॉर अली भाई एंड हिज कॉमरेड्स एवरीबॉडी। भाई मसला ये सीखता भी कोई नहीं है ना। मैं जरा अली साहब से अली जफर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा, मैं पहले जरा किरमानी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ उनकी पार्टी के टिकट्स के बारे में। मैं सिर्फ एक साउंड सुनाना चाहता हूँ, तलाल चौधरी का टिकट फंसा हुआ, दानियाल अजीज को टिकट नहीं मिला, वो आजाद जा रहे हैं, ये दो के बारे में मियां साहब ने एक दिन हाथ खड़े करके जलसे में क्या कहा था, पहले सुन लें किरमानी साहब, उसके बाद मैं जरा सवाल आपसे पूछता हूं। इस शख्स के खिलाफ भी कंटेम्प्ट लग गई है, जानते नहीं शख्स को, जानते हो कि नहीं? दानियाल अजीज कहां, उसको भी कोर्ट ने बुला लिया है, इसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट लग गई है। दानियाल फैसला, चौधरी तलाल फैसला आ गया आपके सामने, खुदा से डरो, उस अदालत में क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? और ये टिकट दोनों को, एक का फंसा हुआ और एक को नहीं दिया, उस वक्त मुझे याद है इन दोनों को कहा गया कोर्ट की तरफ से माफी मांगनी, जरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग थी, माफी मांगे तो बात जाते हैं। ऐसे इकबाल साहब पर भी कंटेम्प्ट लगी थी लेकिन उन्हें माफी मांग ली, इनको कहा गया आपने माफी नहीं मांगनी, 5 साल ये दोनों असेंबली से बाहर रहे और अब ये टिकट इनका चला गया। ये टिकट फिर मैं आपको एक और भी सुना देता हूं किरमानी साहब, ऐसे ही आपके लिए सिर्फ शुगल के लिए, लोटों के बारे में आपकी पार्टी बड़े बयान देती होती थी कि लोटों को टिकट नहीं देंगे, बट 20 सूबाई असेंबली के इलेक्शंस हुए, कहा गया हम इस वजह से हार गए, लोटों को टिकट दे दिए थे जो दूसरी पार्टियों से थे, हमने अपने अपने लोगों को नहीं किया, लेकिन लोटों के बारे में व्यू क्या था ये जरा सुने। मैं हाथ जोड़कर अपनी जमात से भी ये अर्ज करूंगी, आइंदा किसी लोटे को टिकट नहीं दे, किसी लोटे को वोट नहीं मिलना चाहिए, उसकी जगह सिर्फ बाथरूम में है। पार्टियां छोड़ने वाले लोटों को वोट नहीं दोगे, जरा से दबाव का जो सामना न कर सके और पार्टी की पीठ में छुरा घूम दे वो वोट का हकदार नहीं है। तो लोटों को टिकट नहीं देना था, कैसे दे दिया है? किरमाई साहब आप परेशान है इस बात पे कि मैंने सुना हमजा शहबाज ने भी बड़ा रोला डोला गोला डाला कि जी हमारे वर्कर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। मैंने एक मिनट देना जरा, मैं तुसी बड़ा एक वाइटल सवाल किया। देखिए गुजारिश ये है कि मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ, मैंने ये लोटों को टिकट देने का मसला इशू हो या ये कि कोई सीट एडजस्टमेंट बिफोर इलेक्शन, मैं जाती तौर पर काशिफ साहब उसके हक में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जब आप सीट एडजस्टमेंट भी करते हैं तो जाहिर है उसके दो नुकसान आते हैं, एक तो आपका जो वर्कर है उसकी हक तलफी होती है, नंबर 1, नंबर 2 कि जिस शख्स को आप टिकट दे रहे होते हैं दूसरी पार्टी वाले को
वो जो वोट होता है उसका जेन्युइन अपना वोट नहीं होता, वो मांगे तंगे का आपका वोट होता है। एक तरफ हक तलफी भी हो गई और दूसरा जो मुंतखब होकर असेंबली में जाएगा आपका वोट लेके, वो उसका जेन्युइन वोट। सर अगर सीट एडजस्टमेंट का ऑर्डर हो तो फिर क्या करें? मेरी गुजारिश सुन लो ना, घोड़े ना पिछे टांगे नगे करो, मेरी गुजारिश तो सुन लो। टांगा तो है ना फिर। मैं मेरा मेरा ये जाती ख्याल है और क्योंकि नुकसान भी हो, आपने देखा कि जब 2022 में इलेक्शन हुआ जिमनी, उसमें लोगों का रद्द अमल आया था जी। लेकिन अब क्या किया जाए कि एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो बैठता है, क्यादत सारी उसमें बैठती है, वो फैसला करते हैं। बुनियादी तौर पर देखिए, ये को पीएमएलएन की बात ही नहीं है, आप दूसरी जमातों को भी उठा के देख लें। पाकिस्तान में काफी अरसे से और गुज़श्ता चंद दहाइयों से पावर पॉलिटिक्स हो रही है। जब पावर पॉलिटिक्स होगी तो वो लोग जो पावर पॉलिटिक्स नहीं भी करना चाहते उनको, वो भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अकदार की पॉलिटिक्स तो इस मुल्क में मेरा ख्याल है काफी अरसा हुआ वफात पा चुकी है। तो ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो जाती तौर पर इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूं। हाँ, आप अपने अपनी पार्टियां अपने जोरे बाजू पर इलेक्शन लड़ें, अपने वर्करों को साथ जो गर्म सर्द में साथ खड़े हुए, मैं नाम नहीं लेता किसी का, उनको 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 अकोमोडेट करना चाहिए। हाँ, असेंबली में जब आप चले जाएं, वहां हुकूमत साजी के दौरान अगर आपको किसी के साथ ताउन की या इत्तेहादियों की जरूरत पड़ती है, वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन इलेक्शन से पहले सीट एडजस्टमेंट करना या कोई इस किस्म के जिनको आप लोटा कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको 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 एडजस्ट करना, वो फिर कारकुनों की हक तलफी होती है, लोगों की दिल आजारी होती है। और अब क्या किया जा सकता है? लेकिन ये सब लेके पार्टी कर भी रही, आप इख्तलाफ कर रहे हैं इस चीज से, लेकिन मैं कर रहा हूं, मैं खुलम खुला जी, जी, मैं, मैं, लेकिन मैं... लेकिन द मैटर इज बिटवीन द पार्लियामेंट्री बोर्ड एंड द कैंडिडेट्स। टिकट एक होंगे, एक उम्मीदवार को मिलना है, बेहतर होता के लोगों की दिल आजारी ना होती। लेकिन उनको चाहिए कि अभी टाइम है, जिनको टिकट्स नहीं मिला दे शुड अप्रोच द पार्लियामेंट्री बोर्ड और उनको दे शुड ट्राई टू कन्विंस देम। ये आपके टिकट अली जफर साहब कब आ रहे हैं? जी आज रात तक इंशाल्लाह, महले 12 बजे से पहले आ जाएंगे, वो कंफर्म हो गए ऑलमोस्ट 99%। मैंने सुना सर कि अगर बल्ला गया तो आप लोगों ने टिकट छाप के रखे हुए दूसरी किसी पार्टी सियासी जमात की टिकट पर, वो निशान पर, वो वाले किसी और मतलब छोटी जमात के निशान पर चले जाएंगे आप? देखें सर, अभी पहले तो अभी तो प्लान बी पास है और हाईकोर्ट के ऑर्डर के जरिए है, प्लान बी देखते हैं क्या है। मुख्तलिफ प्लान्स हैं और हैं, बिल्कुल बिल्कुल प्लान्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उस प्लान इसी किस्म का ना कि मैं जानता हूं 2-3 पार्टियों के टिकट्स आप लोगों के, यू नो यू डिसाइडेड कि उनके टिकट्स पे जाएंगे आप, पार्टी के टिकट एक ही होगा साहब, वो देखेंगे सर। मुझे बहुत बार सवाल ये पूछ चुके हैं लोग, मैंने कहा प्लान मेरे दिमाग में भी है, मुझे पता भी है, लेकिन इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। हमारा पीटीआई का जो कसूर है ना जी, जो हमने गलती की है और जिसकी वजह से हमें ये सारा प्रेशर्स और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंबल लेने की कोशिश कर रही है और कोशिश लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही है, सारा जो जिस जो वजह है इसकी, जो जो बुनियाद है जो हमने गलती की, वो ये है कि हम पॉपुलर बहुत हैं। पॉपुलैरिटी जो है हमारी पीटीआई किसी कंट्रोल नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा आवाम में माशाल्लाह है कि किसी से कंट्रोल नहीं हो रही, और अब वो इस किस्म के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। और खोकर साहब ने ठीक कहा कि तारीख में ये पहले भी होता रहा है, हम देखते रहे हैं, आप बेनिफिशियरी भी रहे हैं, हमने मुकाबला किया, लीगली कानूनी मुकाबला किया, और आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ले लिया। वैसे एहतियातन आपसे पूछ रहा हूँ, ये जवाब आप वैसे दे सकते नहीं है शायद, सबक सीख लिया कि आइंदा हमने बेनिफिशियरी नहीं बनना इस तरह की गेमों का, या हिस्सा नहीं बनना? जी मुझे आवाज नहीं आई आपकी। मैं कहा आपने ये सबक सीखा है कि आइंदा आपने इस तरह की गेम्स का हिस्सा नहीं बनना कम से कम? देखिए सर, सबक तो बहुत सारे सीखने को मिले हैं, और मेरा ख्याल है कि जरूर हर सब अपने पास्ट से, माजी से जो नहीं सीखता वो फिर अपनी गलतियां दोहराता है, तो हमेशा माजी से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो ऑप्टिमिस्टिकली देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। आज मैंने रिक्विजिशन कॉल की है, वो जो सेनेट में
इजलास हुआ था जिसमें 14 या 12 लोगों ने, मेरा ख्याल है, एक इलेक्शन के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया। आज मैंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, पीपल्स पार्टी के साथ मिलके रिक्वजिशन मूव की है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए और फ्री एंड फेयर होने चाहिए। एब्सोल्युटली, और ये अच्छा हो कि एक और करारदाद इस्लामी भी शामिल हुई है, अक्सरियत आ जाए, आप हैं, पीपल्स पार्टी है, नून आई एम श्योर आ जाएगी ऑन बोर्ड, जमात इस्लामी जैसे आप कह रहे हैं। कल मैंने वैसे एक बात की, मैं कहा जब बल्ले का निशान, मैं कहा लेट द गेम्स बिगिन नाउ, वो नॉमिनेशन हो गए, बल्ले का निशान आ गया, वगैरह वगैरह सारा कुछ हो गया, लेट द गेम्स बिगिन, लेट द इलेक्शन टेक प्लेस। यहाँ पर तो हजूर मसला ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही। इलेक्शन पूरी कौम में, पूरी कौम में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी, इवन न्यूट्रल लोगों में बड़ी खुशी थी कि अब कम से कम इलेक्शंस एक लेजिटिमेट इलेक्शंस होंगे, एक मुकाबला होगा सर। लेकिन वो इलेक्शन का मौलिक कोई नहीं, मैं वही तो जमहूरियत के तकाजे हैं वो। मुस्तफा साहब से पूछ रहा हूँ, ये बात ठीक है कि एक गेम शुरू तो करो, यहाँ तो गेम ही नजर नहीं आ रही किसी की। मियाँ साहब घर बैठे हैं, पीपल्स पार्टी इज द ओनली वन कैंपेनिंग। बेसवादा इलेक्शन जिसको कहते हैं ना, ये उस तरह का बना है। और मैं हर रोज उठ के अखबारात देखता हूँ, सबसे पहले सिटी पेजेस खोलता हूँ कि कहाँ कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, कहाँ नहीं हो रही हैं, तो वो खाली नजर आता है मुझे। और पिछले मैं कोई 1.5 महीने से खुद तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी रोज अटेंशन ये होती है कि यार कि ये और कौन कौन कर रहा है, कुछ नजर नहीं आता, और कुछ नजर नहीं आता। अब मतलब मैं भी देख रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ने खत लिखा कि वो दें पोलिंग स्टेशन की लिस्ट शायद करें, 30 दिनों में करनी है, वो भी नहीं आई, और 30 दिन भी खत काम हो गया। साहब 10 सेकंड है आपके पास, व्हाटएवर यू वांट टू से, 10 सेकंड ओनली, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मजीद कोई भी तमाम सियासी जमातों को इस सिस्टम को, जो कि गला सड़ा सिस्टम है, और थोड़ी बहुत जो अवाम को उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर किसी ने अवाम के जो बुनियादी मसाइल है, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, उसका इकोनॉमिक रोड मैप दें। मुस्लिम लीग नून का मंशूर आ रहा है, लेकिन तमाम सियासी जमात, हाँ बिल्कुल, मसाइल लोगों के होने चाहिए, मुझे क्लोज करना है, लेकिन क्रेडिबिलिटी भी इलेक्शंस की होनी चाहिए, तभी मसाइल हल होंगे। ऑफ कोर्स जाहिर है, क्रेडिबिलिटी, और इस बात से तो मैं फरमानी साहब की बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि लोगों के इश्यूज के ऊपर गुफ्तगु होनी चाहिए, लोगों के इश्यूज के ऊपर सियासत बात करें। आए खोलोगे इलेक्शन में, तकरीर करेंगे तो पता लगेगा कि इश्यूज क्या हैं, किस बात की लड़ाई है, इससे निकलना। देखिए बात वापस आते हैं।